अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा था ऐसे चलिए, थैंक यू सो मच। ये पीजिए। चिया 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 चिया। नमस्ते नेपाल भाई, चाय काफी मस्त है। तो गाइस, चाय की चुस्की लेने के लिए अपन जा रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट हैंगिंग ब्रिज इन एशिया को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड भाई ठंड लग रहा है। प्रशांत भाई और जितने भी बंदे थे ना, सारे लोग गए दर्शन करने के लिए महादेव का, द लॉर्ड ऑफ शिवा। एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स हैंगिंग ब्रिज। हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत्यकाल आदाब। तो कैसे मैं प्यार दोस्तों दोस्तों मैं कर लगा सर, आप देख रहे हैं ब्लॉग स्वागत करता हूँ सभी के पढ़ने का मल कपरेज वीडियो में। क्या ढलान है भाई, सीधे यहाँ पे 45 डिग्री का ढलान है। ओह माय गॉड, सीधा ढलान है यार। एंड फोर्ट वैली यार काफी मस्त दिख रहा है हमें। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, मस्त, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। बस थोड़ा सा ये है कि अपने हाथों में ठंड ना लग जाए, बॉडी में ठंड ना लग जाए, बिकट जैकेट अपन नहीं पहने, एक छोटा सा हुडी पहने हैं। हवा के कारण जो है ना भाई, तो यदि आपको हैंगिंग ब्रिज हर वो आपको दिखने को मिलेगा, वाटर क्रॉसिंग। एंड भाई यहाँ पे दो दो सामने में अल्ट्रा लाइट उड़ रहा है, इसमें ना हर एक में दो दो व्यक्ति बैठा होगा, एक पायलट और एक यात्री। यहाँ पे अपन वैली के अंदर है। एंड क्या खूबसूरत वैली है यार, मस्त लग रहा है देखने में। एंड चढ़ जाएगा ना ये गाड़ी इस पे? चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, वाह। वाह, पोखरे के अंदर अपन गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एंड चल रहे हैं ऊपर, पहाड़ों के ऊपर चल रहे हैं, सड़क यहाँ पे नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अपन ऊपर में आ गए हैं। अब अगर मैं देखा तो कैमरा टर्न करके कि नीचे में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है हमें। वाह, क्या व्यू है यार। एंड अपने भाई यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बिकॉज इनका वेट जो है ना 300 किलो हो गया है। लिफ्ट चाहिए? सामने से नवनीत भाई वीडियो ले रहे हैं। अरे भाई बहुत स्लिप कर रहा है, बहुत। अरे 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 अरे, आराम से आराम से, अरे आराम से आराम से, ओ बहुत ही डेंजर रोड है। ओ माय गॉड, सो गाइज यू कैन सी दैट द व्यू बिहाइंड मी। जो भी खाया पिया था ना पूरा पच चुका है, क्योंकि इतनी चढ़ाई थी ना, चढ़ाई के कारण पूरा हालत खराब हो चुका है भाई। सामने से पूरा सिटी का व्यू आ रहा है, दिस इज पोखरा सिटी। वाह, पहाड़ पे बसा हुआ ये शहर काफी खूबसूरत है। नमनीत भाई आपको थकावट लग रहा है क्या? पूरा हालत खराब हो चुका है। गाइज अपन बहुत ऊपर आ गए हैं एंड सारे के सारे बंदे नीचे हैं, पता नहीं नीचे क्या कर रहे हैं लोग, देखते हैं अपन नीचे जाके। व्हाट अ व्यू मैन, यहाँ से जो है ना सारा का सारा पोखरा सिटी दिखता है। हटिया हटिया, पूरा ढलान है भाई यहाँ पे। सामने के एरिया में पूरा का पूरा जंगल है भाई। पोखरा में जो है ना, ये आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, बिकॉज इधर कोई आता ही नहीं है। खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग यहाँ पे है। एंड कोई नहीं भाई, अपन को एक्सपीरियंस है ऐसे सड़क में राइड करने का।
और कल की जो हमारी राइड होने वाली है वो भी फुल ऐसी डर लग रहा है भाई, बिकॉज अपन जंगल में आ गए हैं और यहाँ पे भयानक वाला जंगल है भाई। कोई जानवर सब अगर हमें ना दिखे वही अच्छा रहेगा। बड़ा सा जंगल है यार, पहाड़ों में जंगल। ओह माय गॉड, मेरा दिल कहीं पहाड़ों में खो गया भाई। लेफ्ट साइड में जो है ना, अगर गिरते हैं अपन तो सीधे नीचे जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर कोई गलती का गुंजाइश नहीं है। और जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे मेरा चक्का है गाड़ी का, ये वाला सड़क, बस इतना ही सड़क है, उधर खाई है। और कहाँ तक खाई है आई डोंट नो एक्चुअली। अपन बहुत ही हाइट पे ऊपर में है। तो यहाँ पे जो है खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग है, नीचे खाई है, राइट साइड में कादो है। एंड अपन थोड़ा सा भी यहाँ मिस करेंगे ना तो पता है कम से कम 400 फीट जाएंगे। भाई अपन को वापस भी इसी रोड से आना है। रवि भैया इधर, लेकिन हम लोगों को नहीं आना चाहिए था, रात हो जाएगा, ये काफी खतरनाक रोड है, पानी वानी कादो वादो है। चलिए चलिए भाई, यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा ऊंचाई है पहाड़ पे, एंड इस पे अपन को बाइक ले जाना है। अरे भाई गिर गया रवि भाई, अरे ओ शिट, चलिए चलिए खींचिए, चढ़ दीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा मशक्कत करना पड़ रहा है यार। पूरा ये नीचे से लगभग खींचिए, ब्रेक हम संभालते हैं, लगभग 20 फीट गहरा ट्रेल कर रहे हैं हम लोग बाइक से। यार बहुत ज्यादा अभी बाइक गिर चुकी थी, जैसे करते देखो, और ये देखो ऊंचाई कितना ऊंचाई है। मोबाइल यहाँ नहीं, नीचे मोबाइल है। Oh my God, सब सही है ना, फाइनली यहाँ बच गए रवि भैया, वरना अभी तो टांगा टूट जाता है भाई। यहाँ पे बड़ा वाला हैंगिंग ब्रिज है, इस पहाड़ से लेके उस पहाड़ तक, पता नहीं ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है, इसीलिए अपन आगे चल रहे हैं। काफी अधिक ऊंचाई पर अपन आ गए हैं, एंड आपने देखा कि किस तरीके से बाइक गिर गया था रवि भाई का, क्योंकि वहाँ पे काफी अधिक चढ़ाई था भाई। अभी अपन पहाड़ों के गांव में है, एंड यहाँ पे देखिए लोग किस तरीके से पत्थरों का घर बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं भाई। काफी बढ़िया है, एडवेंचर बड़ा है, बट यहाँ पे जो है ना, जो बेसिक फैसिलिटीज है ना, उसका अभाव है, सड़क बिजली पानी। अरे तो ब्रेक फेल हो गया। नहीं भाई नहीं फेल हुआ, डर लग गया, देख रहा कितना नहीं, मजाक कर रहा था। अच्छा हैंगिंग ब्रिज उधर से जाएंगे ना, इधर से रास्ता ही बंद है, रास्ता है ही नहीं, रास्ता ही नहीं, हालत खराब हो चुका है, मजा आ रहा है हालत, मजा तो आ रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा चीज देख रहा हूँ। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग यहाँ भी है,
एंड अपन आ गए नदी के अंदर। अभिनव भाई ब्रिज तो यहीं पे है, ये रास्ता ऊपर से है। फाइनली अपन ब्रिज के पास आ गए हैं, ये वाला हैंगिंग ब्रिज है इधर से। हर हर महादेव। हो गए पार अपन, हो गए हैं। रवि भाई आ रहे हैं बाइक लेके, सीधा 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 आजा आजा आजा, सीधा सीधा सीधा। इधर से इधर से इधर से पानी का लेवल देखो यार, पानी बहुत ज्यादा साफ है भाई, बहुत साफ है पानी। अरे है भैया एक्सपल्स गिर गया यार। ऐसे टूट गया क्या भाई? बच गया ये क्लच, बच गया क्लच, सारा का सारा मिट्टी चला गया इसके अंदर, ये भी ढीला हो गया है। पत्थरों से अपन निकल रहे हैं भाई, देखो अपन को जाना था ऊपर से हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से, बट अपन नीचे आ गए हैं। वाह इधर से क्या इतना पानी है, इतना है पत्थर है ना। हाँ इसमें गाड़ी आता है, इसमें ज्यादा बड़ा पत्थर नहीं है। हाँ ये साइड से राइट साइड से जाओ। अच्छा चला जाएगा ठीक, उस साइड में ज्यादा पानी है। ओके यहाँ पर एक और जगह पे वाटर क्रॉसिंग करना पड़ेगा हमें भाई, इसमें कैसे निकलेंगे अपन, बचा लाना भगवान यार। थैंक यू भाई साहब, बोल रहे हैं आप सभी का बहुत स्वागत है भाई। यहाँ पे जो है ना आपको ड्रोन फुटेज नहीं दिखा पाया, बिकॉज बगल में एयरपोर्ट है एंड यहाँ पे ड्रोन उड़ा ही नहीं है। इससे ना हम लोग रास्ता भटक गए, वहाँ से लेफ्ट ले लिए, राइट जाना था। डबल जाओगे यहाँ पे टाइगर आ जाएगा ना, टाइगर भी यहाँ पे है। अरे ओ माय गॉड, इधर टाइम टाइम में इधर से जाएंगे तो अभी इधर से धर लेगा, धर लेगा, इधर से धर लेगा टाइगर, आवाज आएगा। हेलो अरे भाई वो अकेले जा रहा है अभी ना भाई। हाँ। यहाँ पे टाइगर, टाइगर मतलब अभी आवाज आएगा टाइगर का थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद आएगा। अच्छा आप लोग रात को यहाँ से जाते हो कि नहीं ऊपर? हम लोग गाड़ी में। अच्छा चार उस गाड़ी में, बाइक से नहीं? नहीं ट्रक में। चलो यार जल्दी भागो। थैंक यू सो मच। अपन जिस जगह पे अभी है ना यहाँ पे टाइगर का काफी ज्यादा खतरा है, बाघ का बाघ। और यहाँ पे भाई लोग बता रहे थे कि जल्दी से निकलना, जल्दी से, दो आदमी सिंगल मत जाओ, टाइगर कभी भी आपको जो है ना अपना भोजन बना सकता है। हेलो आगे जाकर रुका बे, आपको कितना आवाज लगा रहे थे, पता है ये जंगल है, टाइगर निकलता है यहाँ पे सिंगल सिंगल, तो अभी से कोई जाता ही जाएगा नहीं, वो लोग भी ट्रक में आता है। चलिए गाड़ी पे बैठ के दोनों आदमी साथ में, ठीक है हमेशा दोनों चारों रहेंगे एक साथ हमेशा। अच्छा भाई यहाँ से पंगा हो गया है, टाइगर कभी भी जो है ना अटैक कर सकता है अपने ऊपर। हम लोग यहाँ पे चार लोग हैं। अरे थोड़ी के भाई, हमको लगा कि आगे वहाँ पे टाइगर दिख गया। टाइगर कहाँ? टाइगर
अपन इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।